हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉटनेट इंटरव्यू के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर और सिस्टम डॉट स्ट्रिंग इन डॉटनेट डॉटनेट के अंदर। ये बहुत कॉमनली इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर जगह मैनली पूछा ही जाता है बेसिकली कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है। या आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर और सिस्टम डॉट स्ट्रिंग में आपका क्या डिफरेंस है। तो आपको इसका आंसर एकदम सिंपल वे में देना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर दीजिए। इसका सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो इन डॉट नेट बोथ सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर और सिस्टम डॉट स्ट्रिंग आर यूज टू हैंडल स्ट्रिंग। क्या करता है, दोनों का काम क्या है, स्ट्रिंग की वैल्यू को या स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, बट दे हैज डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक आर यूज इन डिफरेंट सिनेरियो। अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से इसके लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, म्यूटेबल होता है, और दूसरा सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो कि ये सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, म्यूटेबल होता है, और सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, सपोर्ट किसको करता है, अपेंड को, बेसिकली यूजिंग अपेंड मेथड को यूज करते हैं हम सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर में, जबकि सिस्टम डॉट स्ट्रिंग में हम कैन नॉट यूज अपेंड कीवर्ड। अपेंड कीवर्ड हम सिस्टम डॉट स्ट्रिंग के अंदर नहीं यूज करते हैं। अगर प्रोग्राम के थ्रू अगर समझना है तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया, क्लास प्रोग्राम, इसके अंदर क्या किया, स्टैटिक वर्ड मेन मेथड हमने लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल स्ट्रिंग लिया, बेसिकली सिस्टम डॉट स्ट्रिंग लिया, हमारा क्या है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, str, बेसिकली str में हेलो डाल दिया, फिर str प्लस इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली हम क्या किया, यूज किए, और देन वर्ल्ड को जोड़ दिया। और उसको हम एज ए आउटपुट देखा जाए कंसोल डॉट राइट लाइन पे तो हमें क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो स्ट्रिंग बिल्डर पर एज ए ऑब्जेक्ट पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है, कैसे, स्ट्रिंग बिल्डर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, बेसिकली क्या हुआ जाए, ये हमारा स्ट्रिंग बिल्डर हमें डिफाइन किए, और इसके बाद हम क्या किए, एस पी डॉट अपेंड, बेसिकली हेलो लिखे, और फिर से अगर मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, एस पी डॉट अपेंड वर्ल्ड, और कंसोल डॉट राइट एस पी डॉट यू एस पी, हमें क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस होता है। अगर और भी डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्या करता है, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, क्या करता है, इम्यूटेबल सीक्वेंस और करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वंस अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज द क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, एक बार अगर स्ट्रिंग में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो चेंज नहीं हो सकता है। एनी ऑपरेशन दैट अपीयर टू द मॉडिफाई स्ट्रिंग एक्चुअली क्रिएट न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट विद इन मॉडिफाइड वैल्यू, बेसिकली अगर कोई वैल्यू हमने स्ट्रिंग में डाल दिया, जैसे ए इज इक्वल टू मैंने अगर ए बी सी लिख दिया, अगर फिर से मैं ए की वैल्यू यहाँ असाइन करता हूँ एक्स वाई जेड, तो क्या करेगा, बेसिकली इसको हटा के इसमें हमें नया मेमोरी में इसको एलोकेट कर देगा, ठीक है। सिंस स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक द कॉन्क्रिएशन सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन कैन लीड अननेसेसरी मेमोरी एलोकेशन एंड परफॉर्म ओवरहेड स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन स्ट्रिंग कैन सुटेबल फॉर द सिनेरियो विद कंटेंट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, स्ट्रिंग कहाँ सुटेबल होता है, जहाँ कंटेंट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, सच एज स्टोरिंग कॉन्स्टेंट मैसेज और इम्यूटेबल डाटा। अगर स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग बिल्डर रिप्रेजेंट अ म्यूटेबल सीक्वेंस, म्यूटेबल सीक्वेंस कैरेक्टर कहने का मतलब इसको लाइव मैटर टू इफिशियंट मैनिपुलेशन स्ट्रिंग डेटा, सच एज अपेंडिंग इंसर्टिंग रिप्लेसिंग और रिमूविंग कैरेक्टर लाइक स्ट्रिंग बिल्डर अलाउ टू द मॉडिफाई द कॉन्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर क्या आपको मॉडिफाई के डेटा को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यू ऑब्जेक्ट, बेसिकली कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, उसमें डेटा ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर एफिशिएंट सिनेरियो वेयर फ्रीक्वेंटली मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब स्ट्रिंग बिल्डर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ फ्रीक्वेंटली डेटा को हम चेंज कर रहे हैं, सच एज बिल्डिंग डायनेमिक स्ट्रिंग कॉन्क्रिएशन मल्टीपल स्ट्रिंग इन द लूप परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग बिल्डर इज ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस मेमोरी, बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर को हम ऑप्टिमाइज करते हैं परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस मेमोरी ओवर है कॉम्प्लेक्स
रिपीटेडली एंड क्रिएट न्यू स्कीम ऑब्जेक्ट इन द ईच मॉडिफिकेशन। अगर समरी की बात करें, ओवरऑल समरी की बात करें, तो स्कीम विजुअल इम्यूटेबल, स्कीम इज इम्यूटेबल वेयर सुटेबल फॉर सिनेरियो वेयर कंटेंट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, वेयर इन स्कीम विजुअल क्या होता है, म्यूटेबल होता है और ऑप्टिमाइज फॉर एफिशियंट स्कीम मैनिपुलेटिंग सिनेरियो विच इन्वॉल्व फ्रीक्वेंसली मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा रिपोर्ट। ये क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है स्कीम और स्कीम विजुअल में।